कोरोना वायरस को लेकर पूरे देश में कोरोना का कहर देखा जा रहा है और इसको लेकर के बीती शाम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बैठक कर अधिकारियों के साथ यह निर्णय किया कि पूरे बिहार को लॉकडाउन किया जाए, जिससे कि किसी भी तरह का कोई आवागमन या कोई भी भीड़ लगने वाली जगह, जो भी ऐसी जगह है, उस पर नियंत्रण पाया जा सके। अभी हम मौजूद हैं भागलपुर के मायागंज स्थित जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में, जहाँ आइसोलेशन नवनिर्मित MCH वार्ड को आइसोलेशन वार्ड में तब्दील कर दिया गया है। और हालांकि इसमें कुछ अभी काम चल भी रहा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ लगातार नवनिर्मित भवन में अभी काम चल रहा है और हालांकि शिफ्ट अभी नहीं किया गया है। अभी कुछ ही देर पूर्व यहाँ पर जिलाधिकारी प्रणव कुमार अधिकारियों के साथ यहाँ पर आए हुए थे और उन्होंने बताया, उन्होंने दिखा अस्पताल प्रशासन के सभी पदाधिकारी और अधीक्षक सहित सिविल सर्जन सभी को यह निर्देश दिया कि कोरोना को लेकर के जो भी सतर्कता बरती जानी चाहिए वो सारी सतर्कता बरती जाए और किसी भी तरह का कोई चूक ना हो। सरकार के आदेश पर इस बिल्डिंग में 100 बेड का कोरोना वार्ड शिफ्ट किया जा रहा है। हालांकि पहले से ही यहाँ 10 बेड का कोरोना वार्ड के लिए अलग से निर्माण आइसोलेशन वार्ड का किया गया है, लेकिन अब उसे शिफ्ट करके इस बिल्डिंग में, नई बिल्डिंग में लाया जाएगा, जिससे कि कोरोना के मरीज, जब से पटना में एक मरीज की मौत हुई है और दो तीन और भी केस आए हुए हैं बिहार में डिटेक्ट किया गया है, तो उसको देखते हुए सुरक्षा के ख्याल से भागलपुर के अस्पताल को भी अलर्ट पर रखा गया है और पूरी तरह से स्वास्थ्य व्यवस्था को बेहतर करने के लिए, और साथ ही DM ने यहाँ पर ICU वार्ड का निरीक्षण किया और कई वार्डों का निरीक्षण कर यह निर्देश दिया कि किसी भी तरीके से साफ सफाई की कोई परेशानी ना आए, सैनिटाइजेशन की व्यवस्था पूरी तरह से की जाए, मास्क की भी व्यवस्था सरकार की ओर से किए जाने की बात कही जा रही है। और हमने यहाँ अधीक्षक से भी बात की तो उनका साफ कहना है कि अभी 3000 मास्क आ चुका है और पहले से सामान्य मास्क यहाँ अवेलेबल हैं, तो इसलिए मास्क की कोई खास परेशानी तो नहीं है, पर सैनिटाइजर की अभी जो उपलब्धता है उससे और भी अधिक उपलब्धता का प्रयास लगातार किया जा रहा है, जिससे कि किसी भी तरीके से परेशानी, आप साफ देख सकते हैं कि पूरे बिल्डिंग में, इसे 3 महल की बिल्डिंग को पूरे आइसोलेशन वार्ड के रूप में शिफ्ट किया जाना है, जिससे कि आने वाले समय में अगर बीमारी बड़ा भागलपुर में अगर कोई पॉजिटिव केस आता है या स्थिति बिगड़ती है तो उसे मरीजों के लिए मरीजों को वहां रखा जा सके, वहां उनका बेहतर उपचार किया जा सके। या हालांकि अभी तत्काल जो भी मरीज आए हैं भागलपुर में कोरोना से के संदिग्ध, उसमें से एक भी केस पॉजिटिव नहीं पाया गया, सभी केस निगेटिव है। ये भागलपुर वासियों के लिए अच्छी खबर है कि यहाँ एक भी केस पॉजिटिव नहीं आया है। आज जिलाधिकारी ने भी यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कई दिशा निर्देश दिए हैं। सिविल सर्जन और हॉस्पिटल सुपरिटेंडेंट और तमाम पुलिस पदाधिकारियों को भी यह निर्देश दिया है कि पूरी तरीके से लॉकडाउन के अनुसार जो भी नियम फॉलो किया जाना है उसको किया जाए। यहाँ हम लोगों ने एक हेल्प डेस्क स्थापित करने का निर्देश दिया है, तहसीलदार हैं हम उसको हेल्प डेस्क के माध्यम से, जहाँ पे कोरोना कोविड की जांच होंगे या डॉक्टर्स बैठे हैं वहाँ से ले जा सकते हैं। इसके अलावा यहाँ 100 बेड का आइसोलेशन वार्ड बना है, वहीं पे कोरोना से रिलेटेड OPD शुरू करने का निर्देश दिया गया है और जितनी भी संख्या में यहाँ पर वेंटिलेटर्स हैं उसको दुरुस्त रखने का निर्देश दिया गया है और जो नया आइसोलेशन वार्ड बना है उसमें डॉक्टर्स, नर्सेस, अल्ट्रासाउंड के एम्प्लॉइज को ट्रेनिंग करने का निर्देश दिया। और जैसे कहा जाए सर OPD बंद करने की, जनरल OPD की बात चल रही है, तो यहाँ पर क्या कुछ है समझ में? देखिए, सीधी सी बात है, जो अवॉइडेबल है उसको अवॉइड करना है, क्योंकि पब्लिक गैदरिंग कम से कम करनी है, पब्लिक कॉन्टैक्ट कम से कम करना है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है, तो जो चीज़ अवॉइडेबल है उसको नहीं करना है। सभी लोगों से अपील है कि अपरिहार्य जब तक नहीं हो घरों से बाहर नहीं निकलें और सोशल डिस्टेंसिंग को बढ़ावा दें ताकि इस कोविड के संक्रमण को आइसोलेशन वार्ड 100 बेड बनाने का सरकार का आदेश था, क्योंकि नया MCH वार्ड हमारा बना है वो 100+ का वार्ड है, हम लोग आइसोलेशन वार्ड उसमें चेंज कर दिए हैं, उसी को इक्विप्ट कर रहे हैं, एक दो दिन के अंदर में जो भी कोरोना वार्ड होगा वहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, वहाँ पर 24 आवर डॉक्टर रहेंगे, 24 आवर कर्मचारी रहेगा, पेशेंट वहीं भर्ती होगा, वहीं से सैंपलिंग होगा, इलाज की जरूरत होगी तो होगी। तो सैंपलिंग की जैसे बात बता रहे थे कि जाने में भी परेशानी हो रही थी उसको, नहीं तो गवर्नमेंट का ऑर्डर हो गया, हम अपना गाड़ी से भेजेंगे,
भाड़े पर गाड़ी लेंगे, गाड़ी से सैंपल लेकर अगर वैसी केस आएगी, अगर बहुत अधिक केस आने लगेगी तो 2% केस को ICU में रखने की ज़रूरत होती है। तो ICU मेरे पास 30 बेड का ICU है, इसमें रखेंगे, आराम पेशेंट को हटा देंगे। और मास्क की उपलब्धता? मास्क का 3000 आया है, मिल तो नहीं रहा है, लेकिन 3000 मास्क पटना से आया है। प्रयास में एक और मास्क जिस दर पर भी मिले ले लेंगे। और जो PPE किट है डॉक्टर को या मरीज को पहनने के लिए, वो भी हम BMS ICU पटना से मंगा रहे हैं। सैनिटाइजर तो हमारे पास कुछ उपलब्ध है, लेकिन मार्केट में कहीं मिल नहीं रहा है।